खनिया थाना भाजपा ने जलाया चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान डग्गी राजा का पुतला मारे जूते। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता के साथ डिग्गी राजा ने की थी हाथापाई। चैनल डिबेट के दौरान तीखे सवालों से आग बबूला हो गए थे डिग्गी राजा। चंदेरी के विधायक डिग्गी राजा पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। धक्का मुक्की करने में विधायक के बेटे भी शामिल। वायरल वीडियो से भड़का मामला। पूरा मामला इस तरह है कि मध्य प्रदेश की चंदेरी विधानसभा में एक टीवी चैनल डिबेट चल रही थी, जिसमें शामिल होने कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान डग्गी राजा पहुंचे थे। डिबेट के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक से कुछ तीखे सवाल पूछे, जिस पर विधायक डग्गी आग बबूला हो गए और बात गुंडागर्दी तक पहुँच गई। भाजपा कार्यकर्ता ने डग्गी राजा विधायक को कह दिया कि आप गुंडागर्दी करते हैं और इनकी बात को सही साबित करने में डिग्गी राजा ने 10 सेकंड की भी देर नहीं लगाई। सच सुनकर भड़के डिग्गी राजा ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नारायण यादव, जो कि विकलांग हैं, उन पर हमला कर दिया और विकलांग भाजपा कार्यकर्ता नारायण सिंह को धक्का मार कर नीचे गिरा दिया। वीडियो में विधायक के बेटे मनु चौहान भी विवाद करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने विधायक गोपाल सिंह चौहान और उनके पुत्र मनु चौहान के खिलाफ धारा 294, 223, 556 और 34 के तहत FIR दर्ज कर ली है। संवाददाता शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। खनियाधाना के बस स्टैंड पर डिग्गी विधायक चंदेरी का पुतला दहन किया गया, क्या मामला है ये? इसमें हमारे भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता और वर्तमान में पहले पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहा और वहाँ चंदेरी में जो डिबेट लगती है तो उसमें दोनों पक्षों सारे पक्षों के व्यक्ति रहते हैं। अब डिबेट में तो एक दूसरा अपना पक्ष रखता है, तो उस व्यक्ति ने केवल इतना धर पूछा कि आपकी 35 साल की विधायकी की विधायक निधि का एक हमें केवल काम गिना दीजिए। अब उसका हर व्यक्ति का दायित्व बनता है लोकतंत्र के आधार पर कि हम अपना पूछ तो सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, डिबेट में तो अपना कोई भी पक्ष रख सकता है। तो उनमें इतनी सुनने की भी क्षमता नहीं थी, इतने में उनने अपना केवल इतनी कह दी कि आप एक काम गिना दीजिए। इतने में उनके लिए इतनी मिर्ची लगी सो उठकर उसमें हाथापाई कर दी। ये विधायक के नाते, प्रतिनिधि के नाते उसको ऐसा करता है तो नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति होता। क्या विधायक के खिलाफ FIR की गई? विधायक के खिलाफ FIR कराई, उसके गलत किया था उसके खिलाफ प्रशासन ने हल किया, संज्ञान में लिया, उनके ऊपर FIR कराई। आज हम सब लोगों ने एक लोधी समाज का भी उसमें मंडल अध्यक्ष था, उसके प्रति भी उनने उसको भी मारा। तो ये कोई हमारे पिछड़े वर्ग के लिए, इसलिए हम कुटने पिटने को थोड़ी हुई कि हम कुटते ही पिटते रहेंगे। ये जो इस तरह का लोग कह रहे हैं कि काफी गुंडागर्दी का माहौल है, तो क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। गुंडागर्दी के लिए बदनाम हम लोगों भाजपा वालों को करते हैं, गुंडागर्दी वर्तमान विधायक खुद कर रहे हैं, वो खुद सामने में दिखी है। आज चंदेरी विधायक का पुतला दहन किया गया है, क्या मामला है, क्यों किया गया? चंदेरी विधायक की इतनी गुंडागर्दी चरम सीमा पार कर गई है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर सरेआम हाथ डाना और एक चीज सब और बोला है कि 6 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तुम्हारी बोटी बोटी करके काट कटवा दूंगा और नदी में फेंकवा दूंगा पत्तों के आगे। ये शब्द बहुत बड़ा बोला है, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसी गुंडागर्दी करने जो विधायक करते हैं, इनकी हमको जड़ से इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी है। जैसे मोदी जी ने खत्म कर दी ना, ऐसे ही जहाँ चंबल संभाग के अंदर चाहे चंदेरी की ले लो, चाहे कचोर की ले लो, चाहे लाहौर की ले लो, यहाँ इस तरीके से गुंडे जमे हुए हैं कि ये लोगों ने अपनी बाप की बापौती समझ ली है इसको और लोगों को डरा धमका कर इनका वोट 50% फेंका वोट है इन लोगों पर। मैं भारतीय जनता पार्टी से अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन 3 विधानसभा पर ध्यान दें तो
तो इनको अब की बार यहाँ से इनका सफाया किया जाए तो मध्य प्रदेश की गुंडागर्दी खत्म। तो चंदेरी विधायक का वीडियो आया था, ये कहाँ का था? क्या ये वीडियो? अरे अपनी वो चलता ना अपना प्रोग्राम वगैरह भारतीय जनता पार्टी के विजिट डेबिट, उस डेबिट पर काम चल रहा था। तो डेबिट में हर आदमी को बोलने का होता है, उनका मतलब यह है कि हमारी विधानसभा में हमारी रियासत में कोई बोले ना हमारे खिलाफ, ऐसा कहीं होता है? आप गलत काम करो आपके खिलाफ कोई बोलेगा? लेकिन अब बोलेंगे नहीं, अब ये चंबल संभाग से इनको उखाड़ के नहीं बाहर भेजेंगे कहीं, और यहाँ तक तो इनका गुंडागर्दी बिल्कुल हम रहने ही नहीं देंगे। जिससे मारपीट की गई है वो क्या भाजपा का कार्यकर्ता था? भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा है, एक ब्लॉक का रहा है केदार सिंह लोधी, सरपंच भी है वहाँ का, जनपद भी रहा है, हाँ आज भी मंडल अध्यक्ष है वो। लेकिन ऐसे पदाधिकारी बताया जा रहा है कि वो विकलांग भी था। बिल्कुल आपकी बात सही है, विकलांग आदमी को गुंडा बनाना, विकलांग आदमी को एनएसए लगाना, विकलांग आदमी पर गुंडागर्दी की छाप लगाना, ये कांग्रेस के विधायक अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आप भी बता सकती है कि विकलांग आदमी कैसे गुंडागर्दी कर लेगा, विकलांग आदमी कैसे छत्र कर लेगा? अब सही दर्शाया गया है, तो अब दर्शाया गया है पीरियड में गुंडागर्दी ये नहीं, गुंडागर्दी ये विधायक लोग करती है।